आज हम जा रहे हैं नॉर्वे के ओस्लो टाउन से फ्लाई करके सीधा ट्रोम्सो, जहाँ पे दिखती है बहुत ही गॉर्जियस सी नॉर्दर्न लाइट्स। देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफर। फाइनली फ्लाइट के अंदर आ गए हैं, बाहर पड़ी हुई है बर्फ, फील्स लाइक -16। भाई इतना फस फस के बैठे हुए हैं लिटरली। इतना बकवास एक्सपीरियंस तो कभी नहीं हुआ था सनसेट। सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही है, देखो भाई बिल्कुल लेग स्पेस नहीं है, ऐसे साथ में चिपके पड़े हैं। ट्रेन का था ना बेटर है सही में, बट ओस्लो से ट्रोम्सो ट्रेन जाती नहीं है ना। अच्छा भी रो ही जा रहे हैं, परेशान है। एक घंटे की बात है, चलो 1.5 hours लेट्स गो। एंड फाइनली लैंडेड, बाहर बर्फ ही बर्फ दिख रही है मुझे। भाई एयरपोर्ट पे लैंड हुए, हमने गाड़ी रेंट करी थी और बहुत तेज की स्नोफॉल होने लग गई है बाहर और ठंड बहुत ज्यादा है, तो मैंने बोला अशर को लेके मैं अंदर बैठती हूँ। हर्ष सारे बैग्स फिक्स कर रहे हैं। भाई कहाँ ठंडी दुनिया में आ गए हैं, कौन से ठंडे प्रदेश में आ गए हैं। बहुत ठंडा है बहुत ठंडा भाई बहुत ठंडा। अशर तो पूरा बाबा सूट है, इनके तीन तीन इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के बैठे हैं। इसको अभी यही रोना है कि मेरी कैप क्यों पहना रहे हो, कैप मत पहनाओ बस, है ना। मुझे लिटरली बिलीव सा नहीं हो रहा हम कहाँ आ गए यार। बहुत सुंदर जगह है, हमारे यहाँ राइट साइड पे ना पूरा पानी है और पानी के आगे एकदम मतलब माउंटेन्स ही माउंटेन्स है और बर्फ के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है। कांट बिलीव यार, मतलब सीरियसली जन्नत लग रही है, जन्नत। ऑडी कैसी है, पावर है इसमें? भाई बहुत पावर है, बट खींचने में डर लग रहा है, बर्फ ही बर्फ है भाई। यहाँ से ये व्यू है राइट साइड से, क्या बेहतरीन नजारे है, मतलब पूरा सिटी दिख रही है यहाँ से। सेंटर से पूरा ये व्यू है, बर्फ ही बर्फ है और सामने स्नो कैप माउंटेन्स है और राइट में ये व्यू है, घर ही घर है और घर ही घर है, इतने प्यारे 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 प्यारे। भाई तो जिनसे हमने कार रेंट करी है ना, उनसे कार सीट लेने हमें उनके घर आना पड़ा, तो अभी वो हमें किससे मिला रहे हैं? हर हसी से मिला रहे हैं, मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता है। ये हमारे पास भी एक हस्की है, ये हमारा हस्की मिलेगा, ये हमारा हस्की बड़े वाला अलास्का हस्की बताओ। But he's not jumping. No. Hiko, Lexa, Lexa. Hiko, Lexa, Lexa, Lexa. Next, और अब स्टार्ट होने वाला हमारा एपिक रोड ट्रिप फ्रॉम ट्रोम्सो टू सेंजा। 3 घंटे की ड्राइव होने वाली है, 10 बज गए हैं, रोशनी का नामो निशान नहीं है। इतना सुंदर, इतना फेरी टेल वाला टाउन है, सच्ची बता रही हूँ। पूरा वाटर फ्रंट, माउंटेन्स, ऐसे अंधेरे में इतना मैजिकल लग रहा है। सबने अपने घर ऐसे डेकअप करे हुए हैं क्रिसमस लाइट्स में, गाइस इट्स अनदर वर्ल्ड। बाय द वे क्रिसमस की वजह से सारे सुपरमार्केट सब कुछ बंद है, 10 बज चुके हैं, हमें लगा खुल जाएंगे बट अभी उन्होंने बताया जिनसे हमने गाड़ी रेंट करी है, रेंट अ कार ट्रोम्सो टोनी कंपनी, अमेजिंग यार। अशर के लिए उन्होंने कार सीट दी है, क्यूट से 2 छोटे-छोटे टॉयज दिए हैं। उन्होंने मेक श्योर करा कि हमारी फ्लाइट जब आई है तभी हमारे पास गाड़ी हो। गाड़ी रेंट करने का टाइम 10 बजे का था बट उन्होंने 8:30 बजे हमारे हाथ में गाड़ी दे दी। अभी आराम से स्टार्ट करते हैं अपना रोड ट्रिप और दिखाते हैं ये ब्यूटीफुल सा टाउन। और निकल पड़ी हमारी सवारी, वो राइट में हमारे सामने सुपरमार्केट थी बट वो बंद पड़ी है यार, वरना यहीं पर ही सब सामान ले लेते हैं। ओ भाई कहाँ पे ड्राइव हो रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं यार, मेरे तो दिमाग ही खराब हो गया है। क्या जन्नत है भाई, भाई थोड़ी रोशनी आ जाए तो और मजा आ जाएगा। सही में यार, बस आ जाएगी थोड़ी देर में, 12 बजे तक। 12 बजे तक तुम पहुंच जाएंगे? नहीं पता नहीं, रुकते रुकाते जाएंगे तो नहीं। भाई रेनडियर आ सकते हैं? भाई अभी वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ था आराम से गाड़ी चलाना, कहीं भागते हुए रेनडियर आए और आप डर जाओ। तो धीरे चलाना, रेनडियर अगर टक्कर गया ना गाड़ी पे। मेरी 70 मेंटेन्ड है, ऐसी सीनिक ब्यूटी ना मैं दोनों मिरर्स में देख रहा हूँ अपने लेफ्ट राइट में, ऐसा कहीं नहीं देखा, बिल्कुल अलग ही है कुछ ना, मतलब ऐसा कभी सोचा। राइट में भी अलग है, लेफ्ट में भी, हर थोड़ी देर बाद ब्यूटी अलग हो जाती है। मैं तो इन मिरर्स में भी देख रहा हूँ, पूरी स्नो दिख रही है, तो साइड मिरर्स होते हैं ना ड्राइविंग करते हुए। हाँ कितना मजा आ रहा होगा ना सच्चे ड्राइव करने में यार, बहुत अलग फील है यार। हम पहुंच गए ट्रोम्सो और ट्रोम्सो से हमने रेंट करी कार, बहुत ही अमेजिंग कंपनी, अगर आप भी रेंट करना चाहो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद स्टार्ट हुई हमारी फेरी टेल ड्राइव, हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर से नॉर्दर्न टाउन में जिसका नाम है सेंजा। वहां पे हमने बुक कराया अपने लिए एक केबिन जिसके अंदर हम रह के देखने वाले हैं नॉर्दर्न लाइट्स। हर्षी नॉर्दर्न लाइट्स रूट क्या होता है? अच्छा जी तुझे नहीं पता? गाइस आपको पता है यहाँ पे ना ये पूरा नॉर्दर्न लाइट्स रूट है, तो अगर हम इस रूट को फॉलो करते हैं तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिख सकती है, बट अभी नहीं, बहुत रात में। और देख रहे हो यार यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, क्या जमी हुई है बर्फ यार, ऐसी बर्फ है, ऐसा लग रहा है जीओटी की दुनिया में आ गए। हाँ इस पे आप किक मारोगे ना सारा पानी बह जाएगा। अभी गाड़ियां जा रही थी, मुंह के ऊपर स्नो आ रही थी और स्नोफॉल हो रही है, बाय द वे समझ ही नहीं आ रहा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अश्री पश्री आंखें खोल के तो देख क्या व्यू है, चल सो जा कोई बात नहीं, थोड़ा
नींद पे कैचअप कर ले भाई। बहुत मुश्किल से एक ग्रोसरी स्टोर मिला है। चलो भाई स्लिप मार रही हूँ, देखते हैं भाई। मेरी कॉफी ले ले पहले, जल्दी जा 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 कॉफी ले दो भाई। फाइनली कॉफी मिल गई और चिप्स मिल गए, अब देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। यार कोक की बॉटल्स कितनी क्यूट है, बिल्कुल सांता सांता। आई एम सो ग्लैड कि हमें कुछ तो मिल गया फाइनली। अब हमें कहीं नहीं रुकने की जरूरत है, कॉफी मिल गई, शांति मिल गई। अब सीधा पहुंचते हैं अरोरा ऑब्जर्वेटरी। भाई जल्दी से ले ले जो ले सकता है, पैक कर ले सारी चीजें, कोक जीरो भी ले रहा है। चलो भाई कॉफी एंजॉय करते हैं। इतनी ठंड है कि एक्चुअल में इतनी गर्म कॉफी भी गर्म नहीं लग रही है, ठंडी लग रही है यार। भाई इतना बंदा आ गया ना, जब हम आए थे तो कोई भी नहीं था और अभी इतना बंदा है। भर्ष हमारा सारा सामान ले आया है, पता नहीं और कितनी चीजें इकट्ठी करेगा। अशर पापा पता नहीं क्या क्या चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, आपको पता है। और ये देखो पेट्रोल पंप देख रहे हो बेटा, ऐसा पेट्रोल पंप देखा है नो वेयर, कुछ है ही नहीं आसपास बेटा। अशर को ये बहुत ही क्यूट सा टॉय दिया है, इसी के साथ बिजी हो गया। मेरे को खुशी है, अच्छा लग रहा है टॉय। हां मामा अच्छा लग रहा है, पर मेरे घर वाले टॉयज तो और भी बहुत अच्छे हैं। और ये हर साहब आए हैं इतना सारा खाना लेके, पॉलिथिन नहीं लिया पक्का, 50-60 रुपए का पॉलिथिन होगा। सब कुछ बहुत महंगा है भाई, है ना। अभी वो गरम कर रहे हैं उसको, तेरे सैंडविचेस को। ये जूस ले, ये मिल्क ले, हाँ रखो ये सब, काफी सामान ले आया। तेरी हॉट चॉकलेट का है, मुझे पीनी है। मैंने हॉट चॉकलेट तूने ली नहीं थी मेरी? नहीं क्या लेके आओ, लेनी है, मैं तो सोच रहा हूँ जूस ही पी लूंगा। और फाइनली हर्ष क्या है मेरा बढ़िया से सैंडविच, पकड़ पकड़ पकड़, केचप लगी हुई है सारे पे, गिर ना जाए ध्यान रखियो। मुझे ना इस ड्रीमी सी जगह पे सांता बाबा अपने स्ले पे दिखे, एक्चुअली स्ले नहीं है ये तो ट्रैक्टर पे है। तो मैंने हर्ष को वहाँ पे गाड़ी रुकवाई और बोला कि मैं जरा इसके साथ अपनी फोटो लेके आती हूँ। तो आई होप मेरे फ्रेम के अंदर सांता बाबा आ रहे हो। और बाय द वे यहाँ पे स्नो हो रही है, लगता है यहाँ बर्फ एक्चुअल में गिर गई है। आ स्नो खा लूं आ, पर इस बच्चे को शैतानियां करने में इतना मजा आ रहा है ना। हाँ ये भाई कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? लगभग सवा घंटा। सवा घंटा लगेगा अशर अभी। और फाइनली हमें दिखा पहला बोर्ड जहाँ हमें जाना है, सेन्या। यहाँ के लोग इसे सेना बोलते हैं, सेन्या लोग। पहला राइट हाइवे छोड़ते हुए, अगर तूने ब्रेड वगैरह लेनी है तो यहाँ से ले सकते, खुला हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ मिल जाएगा। चल फिर फ्रूट्स उठा लियो, अगर मिलते हैं फ्रूट्स और ब्रेड। तो अशर ने चेक इन कर लिया अपने अरोरा बॉल इस ऑब्जर्वेटरी अपार्टमेंट में। वन नाइट के लिए हम अपार्टमेंट में रुके हैं। बातें सुन रहे हो इसकी? बाय द वे आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, नॉर्दर्न लाइट्स यहीं से बैठ के देखने वाले हैं अगर किस्मत में हुआ तो। एनीवे बहुत सुंदर अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा है। हर्ष लगेज फिक्स करा रहे हैं, पापा लगेज फिक्स करा रहे हैं, फिर उसके बदमस्ती करेंगे। अशर को बहुत अच्छा लग रहा है अपना ये अपार्टमेंट। जब से आया बहुत खुश है, मस्तियां कर रहा है। आते बड़े अच्छे से ना पहले स्कैन करे इसने अपार्टमेंट को कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसा है, और उसके बाद इतना खेला हंसा। लिटरली बहुत सुंदर अपार्टमेंट है। हमने इस अपार्टमेंट के वन रूम के पे करे हैं लगभग 38,000 रुपीज, और जो दूसरी रूम कैटेगरी है जो हमने बुक कराई है उसके हमने लगभग पे करे 50-55,000, वो टू नाइट्स के लिए है। तो कल से वो होगी और वहाँ पे जकूजी भी है, बट अपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी लेना बनता है, सो इट इज एक्सपेंसिव। बट कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस वो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको भी स्पेंड करने चाहिए थे पैसे, वर्थ इट है या नहीं। एंड फाइनली हर्ष भी आ गया है ऊपर, एंड आई वाज जस्ट सेइंग कि ये अपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कल से हमारा जकूजी अपार्टमेंट है। बट हम लोग ये भी बताएंगे कि वर्थ इट है भी इतने पैसे खर्च किए, बहुत पैसे खर्च हुए भाई, बहुत ज्यादा। आई थिंक आज हमारी आज तक की सबसे एक्सपेंसिव स्टे होगी है। आज हमें ऑरोरास दिखते हैं या नहीं, और यहाँ पे हमारा पूरा सिटिंग एरिया बना रखा है, वहाँ पे किचन है, यहाँ पे हमारे अशर जी बैठे हैं बेड पे, और यहाँ से देखो बाहर का व्यू दिखता है। सो होपफुली आज हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिखे। Let's see.